आज के इस दौर में ये बहुत ही चर्चित शब्द है और डिसरप्शन डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन की इस चर्चा में कोई इस बात पर सहमत है कि भारत का समय है दिस इज इंडियाज टाइम और पूरे विश्व का भारत पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है हमने अभी दावोस में एक प्रकार का वो इस प्रकार के लोगों का कुंभ मेला होता है वहां लिक्विड कुछ और होता है गंगा जल नहीं होता है वहां दावोस में भी भारत के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है ये जो दावोस में बोला जाता था दुनिया के नीति निर्धारक बोल रहे थे कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना रेजिंग बुल से कर दी आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे उसमें काफी चीजें उसका जिक्र था ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंट, सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है यही समय है सही समय है हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है आज उसकी चर्चा भी चल रही है और मुझे मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं ये व्हाइट पेपर में जो आठ लाया हूं ना वो मैं 2014 में ला सकता था राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं दस साल पहले देश के सामने रख देता लेकिन 2014 में जो चीजें मेरे सामने आई मैं चौंक गया था अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी घोटाले और पॉलिसी पैरालिस्टिक्स को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता लोग मानते डूब गए अब नहीं बच सकते हैं जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी है तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता है देश का वही हाल हो जाता पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था वो सारी चीजें बाहर लाना राजनीति तो मुझे कहती है वो करो लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा राष्ट्र नीति का रास्ता चुना और पिछले दस साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है तो मुझे लगा देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए चीजें खुल करके रख देनी चाहिए और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में वाइट पेपर पेश किया है उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहा थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं आप जानते हैं सात दशक पहले से हमारे यहां गरीबी हटाओ के नारे दिन रात दिए जाते रहे इन नारों के बीच गरीबी तो हटी नहीं लेकिन तब की सरकारों ने गरीबी हटाने का सुझाव देने वाली एक इंडस्ट्री तैयार जरूर कर दी उनको उसी से कमाई होती थी कंसल्टन सारे निकल पड़े थे इस इंडस्ट्री के लोग गरीबी दूर करने का हर बार नया नया फॉर्मूला बताते जाते थे और खुद करोड़पति बनते जाते थे लेकिन देश गरीबी कम नहीं कर पाया सालों तक एसी कमरों में बैठकर वाइन एंड चीज के साथ गरीबी हटाने के फार्मूले पर डिबेट होती रही और गरीब गरीब ही बना रहा लेकिन 2014 के बाद जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी के नाम पर चल रही इंडस्ट्री ठप हो गई मैं गरीबी से निकलकर यहां हूं इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया हर दिशा में काम शुरू किया तो परिणाम यह आया कि पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही है हमारी सरकार की दिशा सही है इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे अपने देश को विकसित बनाएंगे आप अपने संस्थान के लिए टारगेट कैसे बनाते हैं आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है बहुत से लोग कहेंगे कि हम पिछले साल जहां थे वहां से अपना टारगेट तय करते हैं कि पहले 10 पर थे तो 12 पर जाएंगे 13 पर जाएंगे 15 पर जाएंगे अगर 5-10 परसेंट की ग्रोथ है तो इसको अच्छा मान लिया जाता है मैं कहूंगा कि यही कर्स ऑफ इंक्रीमेंटल थिंकिंग है इसलिए गलत है क्योंकि आप खुद को दायरे में बांध रहे हैं क्योंकि आप खुद पर भरोसा करके अपनी गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं मुझे याद है मैं सरकार में आया था तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इसी सोच में फंसी हुई थी मैंने तय किया कि ब्यूरोक्रेसी को इस सोच से मैं बाहर निकालूंगा तभी देश उससे सोच से बाहर निकल पाएगा मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा स्पीड से कहीं बड़े स्केल पर काम करना तय किया और आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बीते दस सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले सत्तर साल में सात दशक में नहीं हुआ है सात दशक और एक दशक की तुलना कीजिए आप 2014 तक सात दशक में करीब बीस हजार किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ सात दशक में 20,000 किलोमीटर हमने अपनी सरकार के 10 साल में चालीस हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है अब मुझे बताइए कोई मुकाबला है मैं मई महीने की बात नहीं कर रहा हूं साथियों आज आप भारत की उन्नति की नई ऊंचाई देख रहे हैं हमारी सरकार ने अनेक भी काम किए हैं और अभी मैं देख रहा था कि दूसरा की तीसरी इकोनॉमी तीसरी इकोनॉमी हमारे विनीत जी बार बार कह रहे थे और किसी को आशंका नहीं है मैं देख रहा था विनीत जी तो बहुत नम्रता से बोलते हैं अत्यंत सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन फिर भी आप सब भरोसा करते हैं हाँ यार हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे क्यों बगल में मैं बैठा था और मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे तीसरे टर्म में देश इकोनॉमी में दुनिया में नंबर तीन तक पहुंच जाएगा और साथियों आप ये भी तैयारी रखिए मैं कोई चीज छिपाता नहीं हरेक को तैयारी करने का मौका भी देता हूं लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है जो तो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं लेकिन अब अनुभव मेरा हो गया है आपको मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं और इसलिए मैं बताता हूं तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं भारत की गरीबी दूर करने भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले डेढ़ साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा कहां ले जाऊंगा इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं और करीब करीब पंद्रह लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं अलग अलग तरीके से पंद्रह लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है पहली बार बताता हूं काम चल रहा है और आने वाले बीस तीस दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा